भाइया ने छोटे बड़े बार भाइया ने हाथ जोड़ के मेरी राम राम। देखो यो आंदोलन जो है अपना तीसरे बार बार जो है मतलब खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन खत्म नहीं होगा ये बल्कि दुगना जो आता समर्थन दगा लग रहा है। इसमें जो आपा खत्म किसी हाल में भी नहीं होने देंगे। सरकार ने ये बना दी भाई बार बार में कहा है कभी आप जो अटैक रहे हैं वो वापिस जान लाग रहे हैं, वापिस नहीं जान दे रहे। किसान ने मतलब एक प्रकार का जो ये किसान आंदोलन है अपना जो मजदूर आंदोलन है इसको जो है भटकाया जा रहा है। तो इस भटकान की जो वजह है ये जो मतलब विरोधी है ना जो ये शुरू तंत्र में विरोध कर ध्यान लाग रहे हैं के जो है कि अभी अपनी माता बहन है जो बड़े बुजुर्ग है वो यहाँ बॉर्डर पर न बैठ कर अपने घरों में जाए। क्यों जब हमारे जो परिवार में जो है बच्चे बूढ़े बड़े बूढ़े जो लुका तो मैं उसका कहे था घर मजा प्रचार से कहे तो बॉर्डर पर क्यों नहीं मानने सकता। तो इस प्रकार से अभी बड़े बुजुर्ग तक हम घर भेज दोगे। नौजवान जो है वो खून उसका जो ज्यादा खोलता है भाई नौजवान जो आपस में बढ़क जाएंगे और एक प्रकार का ये आंदोलन जो है फिर टूट जाएगा। तो बार बार ये रिक्वेस्ट है कि भी आंदोलन ने टूटन नहीं देना है किसी हाल में भी टूटन देना है। और सबसे बड़ी बात अपन ये आंदोलन करा क्यों है अपन ये आंदोलन करा थोड़ी फसल और नस्ल बचाने खातर। मोदी ने क्या योजना चलाई के अभी 2000 रुपए खाते में आओ अरे खाते में तो आओ भाई जमीन तो कने गाने कर ली तो लवाई गुटे जमीन की जो अपनी जो फिस्ट्री है जो अपना और तो के किला में पर भी अपना झोरा धर लिया हम इन 2000 रुपए उनके चलते में भर जमारी फसलें नहीं बचागी। तो ये काले कानून जो है अपने पास करना गया है पास कर देगा हम गंजू तक अभी फायदा होगा कानून तक फायदा क्या क्या होगा जब हमारी फसलें नहीं रहेगी अगर हम कानून के धोखे मारेंगे जब हमारी फसल खत्म हो जाएगी तो हम खावांगे के। और बात यह है इसकी भी फसल में खत्म कर दो जमींदार खत्म हो जाएगा जमींदार को क्या मरते कहीं भी 5000 की 2000 की सस्ता सस्ती नौकरी कर पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हम नया जो है इनकी चाल कामयाब नहीं होने देनी है। बार बार गुरनाम चौधरी सिंह भी और जो बाकी नेता है जो बॉर्डर पर जो लीडर बैठे किसान नेता उनकी यह प्रार्थना है कि भी ये जो भरमत जो विचार उत्तर आई जा रही है इनके बारे में ना देख कर जो सही रास्ता दिखाया जा रहा है वो देखो। और बार बार यही प्रार्थना है कि भी जो अपनी सही है जो यूट्यूब पर जो दिखाना है वही अखबार में और वही अखबार वाले भी चूंकि बोल दे वही अपनी जो फोन ना लेके देखो टीवी तो जमाए करती है ना देखो क्योंकि सारी जो है मीडिया जो है बिखेरी है। और रही बात ही और के बात चला दी अब भाई नई बात अगली कोरोना वैक्सीन की कोरोना वैक्सीन के है अरे जब हम देखे क्यों आज हमारे कोरोना है नहीं और सबसे पहले तो कोरोना मोदी का ही होना चाहिए दो टिक्का लगा लो मन नहीं था दोनों टिक्का मेरे का मैं ला दूंगी पहले उसका क्या कह रहे हैं भाई कोरोना वैक्सीन जरूरी है। दो महीने पहले तो अमिताभ बच्चन आ रहा था नमस्कार मैं आपका शुभ चिंतक दो गज दूरी बहुत जरूरी क्यों करो ना दो गज दूरी तुम्हारे कोरोना है नहीं तो ठीक है करा ये भी वैक्सीन आई हुआ है बता है यार बुआ रोज निकल दे वैक्सीन लगवाओ क्यों लगवाओ वैक्सीन मन रमा तो है नहीं कोरोना 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 बीमारी है नहीं के मैं क्यों बड़ा कदर रखा है। और कोरोना का भी बहाना ही चला था भी क्यों करे ना क्यों करे सब ने बेरा है मोदी तरह तरह जो हड़ताल चल रहा है सारे कानून इसने कोरोना में लागू करे है टीम को नहीं अंदर से हम ही टीम तो आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी अपना जो भाईचारा टूटा नहीं है अभी भी नहीं टूटा और टूटा भी नहीं देंगे। तो आखिरी बार मैं अपील करूँ सारे लोग भी और लुगाई भी जितनी भी हो सके आंदोलन में भाग लो अपने टोल पे भी आओ और जितनी हो सके दिल्ली भी जाओ तो अपना जो आप आपसी सहयोग जो होगा वो ऐसा होगा। और क्या कहा अभी लुगाई आंदोलन में की जाए अरे लुगाई था कि हमारे लोग बराबर में बुकिंग बैठे जो क्यों कर दिख जा रहे पूरा नहीं रोक दे अटो आंदोलन में क्यों नहीं जाएंगी लुगाई ना आन मनी बराबर में बैठा है जरूर आदमी एक लकी नहीं रखता तीन की कुल लुगाई और लुगाई ने देखा भी होगा भाई बेलर का में तो कोई भी ट्रैक्टर मार से जो परेड मजार खाते ट्रैक्टर रखे हो मेरा घर जो मतलब उससे गिर जाता बैठा है वो भाई इतने नारे लाए चार दिन होने का नहीं ठीक हो लिया सुबह भी लाया होंगी तो मतलब मोदी मनसान में आ गया तो कसुआ ला देंगे तो अपने जो ये ट्रैक्टर गए थे ना बेलर खा में उसमें जो है मतलब नारी शक्ति है ना बेलर खा के जितने ट्रैक्टर गए उनमें जितने भी आदमी गए उनको हौसला बढ़ा खातर उड़े इकट्ठी हुई कई खत्म में भी आ रही बेलू भाई तो हड़ भी नहीं पाता तोड़ रही क्यों तोड़ेंगे जब तक गए आ रहे
तो जेल गया तो करना ही पड़ेगा। और सारी चीजें जब लुगाई बराबर बैठे हैं तो आंदोलन में क्यों निकाला भी लुगाई नारी शक्ति जिंदाबाद। तो इस प्रकार से यह बात है कि भी जब झांसी की रानी भी अपने दो अंग का बालक ने सम्मान का जान सका है तुम्हारे तो फिर भी 70 साल के 50 साल के हो रहे हैं आओ लगे क्यों ले जा सकते। तो जितनी भी नारी शक्ति है मेरी सारी तो अपील है कभी फिर दिल्ली चलोगे चलोगे कौन जाओ जिसका बन भी सका जिसका हो सका वतन लीजिए भाई। बाकी आए है कि अभी आंदोलन न अपने लिए टूटन नहीं देना हरियाणा पंजाब भी सब सारे इकट्ठा करा और क्या करा कि अभी मुसलमान जो है वो झूठ फैला है झूठ नहीं फैलाएंगे राम तो दिल्ली गए हम तो मुसलमान की झूठी थाली में खाना खाता है यार। इनकी तो एक प्रकार का परंपरा हुआ है जिस प्रकार हिंदू का जो जितनी साफ सफाई होगी उतने आंदोलन में सबके में बरकत होगी और मुसलमान की है जितनी भी झूठ होगी मतलब झूठा खाना पीना होगा तो उसका उसमें बरकत होगी। तो यह इनकी एक परंपरा है न कि ये उल्टा न दिखाओ न इनका बेटा है माओ कि भी ये तो झूठे खाने खावे हैं एक दूसरा की थाली में नीचा कर ला कर उनमें ये खाना खावे न इन वर्गी सोच है नहीं पित्तल के बर्तन में मतलब खाना बनावे जबकि पित्तल का खाना में बर्तन में खाना बहुत शुभ माना जाए है। तो इसी प्रकार मैं आखिरी बार फिर कहता हूँ कि भी आंदोलन टूटता नहीं रहना ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो अपना टोल पर पहुंचो दिल्ली पहुंचो और एक प्रकार से इस आंदोलन को समर्थ बढ़ा और जीतेंगे तो जीतेंगे आदत फालतू का जीत नहीं। सरकार ने कितनी कोशिश करी है कि अभी इस आंदोलन की ऊपर ऊपर खराब हो जा देखो सबने बेरा है जो 26 जनवरी की घटना थी तो फिर भी जो आप आंदोलन ये कमजोर नहीं पड़ा तो ईद के पड़े गए सरकार से कितना ही तान मार लियो ये आंदोलन जीत करवाएंगे तो जीत करवाएंगे। जय जय।